तो क्या हालचाल दोस्तों। तो भाई आज भी मैं आपके लिए बहुत सारी न्यूज लाया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो बिना टाइम गवाए चलिए बात करते हैं न्यूज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं टोनी कक्कर के बारे में। तो टोनी कक्कर द रियलिटी शो तारे जमीन के जज बनने वाले है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, नाउ अ रियलिटी शो मेंटोर, मतलब की जज खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। समझ रहे हो ना। तो चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज आती है थगेश की तरफ से। तो थगेश ने भी अपने रिसेंट वीडियो में बाबा के दावा स्कैम के बारे में रिएक्ट किया है। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके जरूर देखिए। पर आइए छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। के साथ अचूक टोटका है, आपके उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। देखो बालक, मेरा नाम इस्तेमाल करके अगर ऐसे स्कैम किए स्वर्ग लोक से कॉपीराइट स्ट्राइक मारूंगा। अबे 20 रुपए कम है। एनीवेज डिडंट वर्क, बट रातों रात पैसा कमाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज आप किसी ढाबे पे जा सकते हो एंड ढाबे पे जाके उस ढाबे वाले का वीडियो लेके अपना बैंक डिटेल्स दे सकते हो। एंड ये टोटका भाई साइंटिफिकली प्रूवन है। पूछने की भी कोशिश नहीं करी लोगों ने मेरा अकाउंट भी नहीं देखा। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप अपना अकाउंट दिखाइए कि 25 लाख आए, और अपने आप ही एलिगेशन लगा डाली कि भाई 25 लाख रुपए आए इसके अकाउंट में। तो वो लगभग 3,33,000 रुपए के आसपास है, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। बाबा आपके नाम पे लोगों ने भेजे हैं 2,33,677। यूज योर ब्रेन या तो अपना नाम गौरव रख लो। देखो अगर उसने छोड़ो यार इधर। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और बाबा के ढाबा की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे आर्टिकल्स छपने स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। ऑल्सो कल मधुर भाई और जो स्वाद ऑफिशियल है जिसने ये वीडियो बनाया था, उनका इंटरव्यू न्यूज चैनल पर आ रहा था। और लक्ष्य भाई ने भी इसके बारे में कुछ स्टोरीज रखी है, तो आइए देख लेते हैं। भाई है क्या तो अभी मैं कुछ न्यूज़ देख रहा हूँ, कुछ इसके दोस्तों के स्टोरीज वगैरह देख रहा हूँ। थोड़ा बहुत फैक्ट्स मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, बायस न्यूज़ डल रही हैं। लेकिन जो लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो भलाई कर रहा था, ये पैसे दे के आया भलाई किसने वीडियो के बाद, उस इंसिडेंट के वायरल होने के 21-22 दिन बाद वीडियो आई, ये ब्याज कमा रहा था क्या बाबा के पैसों पे? तो ये पैसे वीडियो वाले दिन ही दे के आया, कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। तो ये जो इसने भलाई की ये उसके बाद की, ठीक है। अगर वीडियो ना आती ना तो ये पैसे भी नहीं दे के आने वाला था, ये बात भूल जाओ कि ये पैसे दे आता। तो अब जितना भी ये भला बन रहा है, रो रहा है, धो रहा है, ये वीडियो आई तब असर गया इस पे। आज फिर ये बैंक स्टेटमेंट कागज भी लिए खड़ा था प्रिंट आउट करवा के, भाई क्या पता बैंक के हैं, तूने उनको एडिट कर दिया, फैब्रिकेट कर दिया, क्या कर दिया। अभी तक भी बैंक किसने कोई लाइव वीडियो नहीं डाली बैंक स्टेटमेंट की, कि वहां तो दिख जाती है यार बैंक से पीडीएफ निकलती, जो भी निकलती है विदाउट एडिटेड डालना, कभी एक्सेल शीट पे दिखा रहा है। उसके बाद अब न्यूज वालों को इंटरव्यू देते हुए बोल रहा है कि मैं बाबा को वो 2.5 लाख देने के चेक देने के बाद 1.5 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर किए NEFT की। अब उस दिन तू कह रहा था 2.5 लाख दे के बाबा तेरा मेरे हिसाब क्लियर हो गया। भाई जितने पैसे निकलते रहेंगे तू उतने देने की बात करता रहेगा क्या? तो अभी तक और वाइफ वाला तो इसने अभी तक जिक्र भी नहीं किया। खैर और फिर कुछ दिन बाद बोलेगा वाइफ वाले भी मैंने ऑनलाइन पेमेंट करने वाला हूँ, ये पूरे साल ही देता रहेगा बेचारा, इस पर कभी क्लियर होगा ही नहीं। और एक चीज़ और जो मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ स्टोरी में टैग कर रहे हैं लोग बाग इसको जाके गाली दे रहे हैं। देखो भाई गाली देनी होती मैं अपनी वीडियो में दे देता, मैं इतनी काम रह के मैं वीडियो ना बनाता, मुझे गाली बिल्कुल नहीं देनी। मेरा काम, लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंसर है, तेरी कुछ ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करी। मेरे को एक जगह क्वेश्चन उठाने को आया, मैंने उठाया कि जिन लोगों ने पैसा दिया है वो मांग लो, उसको क्लियर कर रहा है या वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई मैंने स्कैम किया है, मैंने नहीं किया, मैंने सारा बाबा को दिया, मैंने नहीं दिया, वो जाने, कर्मा जाने, बाबा जाने, पैसे देने वाले जाने। लेकिन गाली वाली मत दो, वो काम पहले से करता है, ठीक है। मैं तो गौरव जोन को भी बोलता हूँ कि भाई रोहित खत्री को भी बोलता हूँ, ये लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, आलतू फालतू कंटेंट भी बना रहे हैं, बना तो रहे हैं, बना ये भी रहा था, इसकी वजह से बाबा फेमस हुआ ये भी सच है। बाद में इसकी नियत पलटी नहीं पलटी वो ये जाने, जिन लोगों ने पैसा दिया वो जाने। एक क्वेश्चन तो राइज किया, लेकिन गाली वाली मत लिखो उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए, और मतलब कुछ भी अपने तरफ से गलत सलत बातें मत लिखो वरना तुम गलत हो जाओगे। और सेल्विस यादव ने भी इसके बारे में बातचीत की है, पर बहुत सारी बातचीत की है। तो अगर आपको देखना है तो उनका इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पर उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्लिप है मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे भाई? स्टोरी एंड तक देखना, थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारे। पहली चीज तो ये, मैं कल कमेंट पढ़ रहा था तो लोग कह रहे हैं अलीस भाई तुमने झूठ बोला बिना किसी प्रूफ के, गौरव पे इल्जाम लगाया कि भाई, अब मेन चीज तो ये है कि बाबा भाई लालची निकल रहा है, ऐसे पब्लिक मेरे को बोल रही है। देखो भाई
पहली बात तो ये है कि स्कैम हुआ है, दूसरी चीज ये है कि भाई तुम दो चार न्यूज चैनल से चलवा के न्यूज पे रो के ऐसे वीडियो ऑडियो निकाल दोगे तो पब्लिक की सिंपथी, पब्लिक भी तो बेवकूफ है हमारी यार की, ओ ये रो रहा है ये सही कह रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है यार। अब मैं जाके रोने लग जाऊं कि ओ यार ऐसे मत कर, तो यार तुम मेरे साथ हो जाओगे क्या भाई? देखो थोड़ा दिमाग से चीज लिया करो, अगर भाई स्कैम स्कैम होता है, हेल्प हेल्प होती है, इसमें डिफरेंस सीख जाओ कि भैया अब ये थोड़ी है मैं किसी की हेल्प करूंगा और उसके चक्कर में पब्लिक का पैसा खा जाऊंगा तो मैं क्या सही हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा ना कि भाई मैंने हेल्प करी है पैसा ही तो खाया, ऐसे नहीं होता भाई, पैसा खाया है बात खत्म। तो भाई चीज को सीख जाओ, स्कैम स्कैम होता है और क्या कहते हैं हेल्प हेल्प होती है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई 20 लाख रुपए वाली बात, 20 लाख का इल्जाम लगाया तुमने गौरव भाई पे, वो तो कह रहा सीधा सीधा कि बाबा के अकाउंट में आया। देखो भाई उसने बोला कि बाबा के अकाउंट में 20 लाख रुपए आए, उधर बाबा का कह रहा है, उधर बाबा ने बोली कि भाई मेरे पास तो एक भी रुपया ना आया, तो भाई हम किसकी बात मानेंगे? बाबा की मानेंगे जिसका खुद का अकाउंट है, गौरव की मानेंगे उसकी लाइफ की? तो भाई देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बाबा की साइड ले रहा हूँ कि बाबा मेरी बाबा की गैल है हम ये है वो है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि पब्लिक ने पैसा दिया था, वो पैसा कहाँ है? बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि भाई देखो हमारा ये जो इसने अपलोड कर रखी है, जो इसने फर्जी स्टेटमेंट डाल रखी है, इसमें हमारा नाम नहीं है, 00 की ट्रांसफर दिखा रखी है, तो बहन जो हमको शक नहीं होगा तो क्या होगा भाई? अब ये तो है नहीं कि अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि गौरव भाई यार मुझसे तो गलती हो गई और क्या कहते हैं तुमने स्कैम नहीं करा, स्कैम तो करा भाई है, इसने अपनी वाइफ का अकाउंट बोला कि 45,000 रुपया रखे हैं, इसकी वाइफ में कितने आ रखे तुम पता भी है? हम नहीं काट देंगे ना, तो भाई बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी। अब जो पुलिस कर रहे हैं उसे अपना काम करने दो, ये बाकी इल्जामबाजी छोड़ दो। लक्ष्य की वीडियो आने के बाद ये 2,33,000 रुपए दे के आया, ठीक है। उसके बाद क्या करा बाबा से, तेरा मेरा हिसाब क्लियर है, ठीक है हिसाब क्लियर होगा ना? उसके अगले दिन 1,00,000 रुपए क्यों दे के आया जब बात बढ़ने लगी? ठीक है 1,00,000 रुपए दे के आया, उसके बाद 45,000 रुपए क्यों दे के आया जब बात खत्म हो गई थी? 2,33,000 रुपए तो क्यों दे के आया? नहीं है ना कोई जवाब? नहीं है। न्यूज चैनल पे बात हुई, मधुर भाई ने पूछा, जवाब दिया इसने? नहीं दिया। तो भाई सुनो पब्लिक, भाई जितनी भी मेरी पब्लिक है तुम बायस्ड, मतलब बायस्ड तो क्या है, तुम एक साइड की मत सुने करो कि भाई इस साइड बोल रहा है इस साइड चले जाएंगे, इस साइड बोल रहा है इस साइड चले जाएंगे, प्लीज थोड़ा अपना दिमाग यूज करो। तो यस यार, आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। ऑल्सो आपको नहीं पता कि बाबा का दाबा स्कैम क्या है तो आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगी, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा Part 1 Part 2 करके, जाके पूरा ध्यान से देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, आगे की न्यूज कल के वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ सब्सक्राइब करके जाना। यही नहीं अभी और सुनिए गाइस, आप लोग ने पूछा था कि कैटरीना कैफ आपकी कौन लगती है, तो मैंने बताया था अपनी वीडियोस में कि वो मेरी कजिन सिस्टर है, उसके बावजूद आप लोग बोल रहे हो कि आप उससे भी ज्यादा सुंदर हो। तो गाइस क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ क्या करूं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको?